अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लगा रहे हैं 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम। इसके अंदर हमने यूज़ करी है 450 वाट की दो सोलर पैनल। ये 450 वाट की दो सोलर पैनल हैं, ये बाइसिकल के अंदर हैं, डबल ग्लास कहते हैं। ये फ्रंट बैक दोनों सेम एक जैसा होता है। इसके अंदर हमने इन्वर्टर यूज़ किया है 1.6 किलोवाट का फ्रॉनस कंपनी का, जो कि 2200 PV सपोर्ट करता है इन फ्यूचर। इसके अंदर 3 प्लेटें हम और इंक्लूड कर सकते हैं 450 वाली, तो फिर जो है लोड इनका जो है तकरीबन 1400 वाट तक ये यूज़ कर सकेंगे। इसके अंदर एक फ्रिज और 4 से 5 पंखे, टीवी, घर की सारी लाइटें वगैरह आराम से इजीली चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है, कम रेंज के अंदर सबसे कम रेंज में फ्रंट वालों का इन्वर्टर है। और अगर सही तरह से चलाएँगे तो बेहतर चलता है, कोई फॉल्ट वगैरह नहीं आता। और चलते हैं, आपको दिखा देने से सिस्टम जो हमने लगाया था, इंस्टॉल किया है, प्रॉपर तरीके से हमारा वर्क होता है और प्रॉपर तरीके से हम वायरिंग करते हैं सारी। कोई भी आपको तार वगैरह अंदर नहीं आएगा, प्रॉपर तरीके से एक नट बोल्ट सब चीज़ें खूबसूरती के साथ करते हैं ताकि आपको हमारा काम पसंद आए। और दिए गए नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन नंबर में नजर आ रहा हो। कराची में कहीं भी आपने लगवाना हो सोलर सिस्टम, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ओनली कराची में, अभी आउट ऑफ सिटी हम नहीं कर रहे, हमारी टीम जो है वो सिर्फ कराची में होती है। तो चलते हैं फिर आपको नीचे लेके और सिस्टम दिखाते हैं सारा। चले जी, अभी हम पैनल जो है ऊपर चढ़ाएंगे। अभी 450 वाट के ये हैं, जिनको कंपनी के दो पैनल हैं बायोफिशियल के अंदर, और ये स्टैंड रखा हुआ है इसका, जिसके अंदर ये दो पैनल आ जाएंगे आराम से इजीली। ये स्टैंड बने हुए आते हैं और ये सस्ते भी पड़ते हैं। अगर आपकी छत खुली होगी तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी, ताकि आपका थोड़ा सा खर्चा बच जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, जिनको कंपनी के टेयर वन के अंदर बायोफिशियल के 450 वाट के दो पैनल हैं। और इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। ये हमने स्टैंड लगाए हैं और अभी ये माशाल्लाह ये हमारे इंजीनियर साहब जो टाइट कर रहे हैं। ये बना हुआ है एल शेप के अंदर, ये स्टैंड आता है, इसके अंदर दो प्लेटें आ जाती हैं। ये 450 वाले हमने दो पैनल लगा दिए हैं। अगर आपकी छत इस तरह की है कि आपकी खुली छत है, साय वगैरह कोई मसला नहीं है, धूप प्रॉपर आती है और छत में जगह भी है, तो आप ये वाला स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। ये इजीली सस्ता पड़ेगा आपको, दो स्टैंड का एक ही जो है स्टैंड मिलता है, इसके अंदर दो पैनल आराम से आ जाते हैं और ये सस्ता भी पड़ता है। बारिश में उसके जो आप एंगल बनाएंगे, जैसे कि ये सामने एंगल बने हुए हैं, अगर आप इस तरह बनाएंगे गार्डर के ऊपर, तो ये थोड़े से महंगे पड़ते हैं। ये बड़े सिस्टम के नहीं होते, अगर आपके छत पर जगह नहीं है तो फिर आप इस तरह का भी बनवा सकते हैं, वो भी हम आपको बना के देते हैं पूरे प्रॉपर तरीके से। बाकी ये पैनल चेक कर लीजिए आप, इसका करंट भी हम आपको चेक कराएंगे कितना करंट ये दे रही है इस वक्त। धूप भी माशाल्लाह से सही है, अभी प्रॉपर धूप पड़ रही है यहाँ पे, साया वगैरह कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह धूप जो है सुबह से लेकर शाम तक पड़ती रहेगी इस पर। चलिए जी, सोलर स्टैंड हमने लगा दिए हैं, अब हम जो है जल्दी से पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये 1.6 कंपनी का ज़बरदस्त इन्वर्टर है हाइब्रिड के अंदर, जो कम रेंज के अंदर एक ज़बरदस्त चीज़ है। वैसे बहुत से लोग बोलते हैं फ्रॉनस की जो है कंप्लेंट वगैरह होती है, लेकिन अगर आप सही तरह से यूज़ करें तो कोई कंप्लेंट नहीं आती, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, ये 1 किलोवाट से लेकर के तकरीबन 6 किलो 7-8 किलोवाट तक के फ्रॉनस के, तो उसमें अभी तक कंप्लेंट नहीं आई है। इसकी वारंटी है 7 साल की, वारंटी कार्ड है इसका, 2 साल इसकी जो है फुल वारंटी है और 5 साल सर्विस वारंटी है। 1 साल वारंटी उन्होंने बढ़ा दी है फुल, पहले 1 साल होती थी, अब 2 साल की फुल वारंटी दे रहे हैं। इसकी मैनुअल बुक आ गई है, अब इसको हम जल्दी से जो है आपको चेक कराते हैं। इसका आप कलर भी देख लिया कि ये लेटेस्ट कलर के अंदर आया है। ये अभी फ्रॉनस वालों की जो है प्लेटेरियम सीरीज़ आई है, इसके अंदर उन्होंने डिफरेंट कलर दिए हैं हर एक मॉडल के, जैसे 1.6 है, इसके अलावा 3.2 और अपना 4.0, इसके अलावा 6.2 का इनका जो इन्वर्टर है, सबके डिफरेंट कलर है। ये 2200 PV के अंदर आता है, 450 वाले, इसके अंदर आप 5 पैनल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सिंगल आउटपुट है, इसके जो बड़े मॉडल हैं वो डुअल आउटपुट में इस वक्त निकाले हैं। बाकी ये सब चीज़ देख लीजिए, ये सी कुछ ये देखिए सारी इसकी पढ़ सकते हैं आप। इसके अंदर 1600 वाट का ये इन्वर्टर है और 2200 PV सपोर्ट करता है, हाई वोल्टेज रेंज की तरह आता है। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी चीज़ उन्होंने ये दी है कि ये जो है एक जो 150 वाट के पैनल है दो, आप उससे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और 450 वाले एक पैनल से भी ये स्टार्ट हो जाता है, 30 से लेके तकरीबन इसकी वोल्टेज है 450 तक है। तो ये कि इन्होंने अच्छी चीज़ दी है कि आप इसको एक पैनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, हमने प्रॉपर तरीके से इसको हैंग कर दिया है, बाकी सारे जो है इनपुट और आउटपुट इसके हमने लगा दिए हैं, ये बैटरी के वायर लगा दिए और ये सोलर के वायर लगा दिए। प्रॉपर तरीके से हमने इसको जो है इंस्टॉल कर दिया है। अभी ये ब्रेकर देख सकते हैं, एक सोलर का ब्रेकर है स्टैंडर्ड वालों का, 10 एम्पीयर का, और दो जो है एसी ब्रेकर लगे हैं 16 एम्पीयर के। बाकी इसके साथ साथ ये बैटरी है 100
80 एम्पीयर की हमने इसके अंदर बैटरी यूज़ करी है और ट्यूबलर वाली ओसाका कंपनी की है, जो कि ईजिली जो है आपको रात के टाइम जिनके 3 से 4 पंख होगा ये बैकअप दे देगी 3 से 4 घंटे। तो कॉस्ट आप देख सकते हैं इसकी 2,70,000 रुपये कॉस्ट है इस वक्त, और इस दिए गए नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आप कुछ टाइम बाद देखते हैं वीडियो तो उसके हिसाब से मैं आपको इसकी कॉस्ट बता दूंगा जो भी ऊपर नीचे होगी। दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।